लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों के काम आए जो, दुश्मनों के रंग उड़ाए जो, उलझनों को सुलझाए जो, राजा रैंचो, राजा रैंचो, राजा रैंचो। देखिए तो इनके नए ढंग लाए जहां में नए रंग, मस्तियों में झूम के मंजिलों को चूम के चले जमाना इनके संग। नमस्कार, आज की मुख्य खबरें। माधोपुर के जंगली इलाके में इस हेलीकॉप्टर से खतरनाक हथियारों का जखीरा दिखा गया। पुलिस का ये शक यकीन में बदल गया जब उन्हें जंगल में खतरनाक हथियारों से भरी कुछ पेटियां मिली। ये हथियार किसने गिराए और किसके लिए गिराए, अभी तक यह रहस्य ही बना हुआ है। मगर इतना तय है कि माधोपुर जो अपने आपराधिक गतिविधियों के लिए कुख्यात रहा है, इन हथियारों की वजह से वह अपराधों में काफी बढ़ोतरी होगी। अब खेल समाचार। रंचो, देखो जरा कौन है बाहर। लाइए भाई रंचो माशे, हाथ बाद में मिलाएंगे, पहले चिट्ठी तो दे दो भाई। ये किसकी चिट्ठी है भाई, भेजने वाले का आता पता कुछ भी नहीं है। स्टैम्प 10 अगस्त माधोपुर। देखता हूं रंचो, माधोपुर माधोपुर 10 अगस्त। प्रिय राजा और रेंचो, मैंने तुम्हें देखा तो नहीं मगर तुम्हारे कारनामों के बाबत अखबारों में पढ़ा है। बेटे तुम तो जानते ही होंगे कि यहाँ माधोपुर में दिन दहाड़े कैसा खून खराबा मचा रहता है, उस पर यहाँ हजारों खतरनाक हथियारों का ढेर पहुंच चुका है। बेटे मैं तुम्हें एक बहुत ही राज की बात बताता हूँ, उन हथियारों को किसने भेजा है ये मुझे मालूम नहीं, मगर किसके लिए भेजे हैं ये मुझे मालूम है। वेरी गुड। जिसके लिए हथियार हेलीकॉप्टर से गिराए गए थे वो माधोपुर का शातिर अपराधी भुजा सिंह। हथियार भुजा सिंह के पास पहुंच चुके हैं। भुजा सिंह ने ऐसा जाल फैला रखा है जिसके सामने पुलिस की भी नहीं चलती। सुशील कुमार नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर ने भुजा सिंह से टक्कर लेनी चाही तो उसे भी मारकर ठिकाने लगा दिया गया। बेटे अगर तुम अपने हुनर से माधोपुर को भुजा सिंह से निजात दिला सको, इसके लिए मैं तुम्हें यहां आकर कुछ कर गुजरने का निमंत्रण देता हूं। भुजा सिंह के खिलाफ हमेशा आवाज उठाने वाला माधोपुर का एक बूढ़ा शिक्षक रामदास पाठक। क्यों पार्टनर, क्या इरादा है, चलें? माधोपुर और कितनी दूर है। हाँ देखो ये चलो, और कोई चारा तो है ही नहीं, पैदल ही पैदल चलते हैं। आ जा।
ढूंढ रहे हो? देखो अभी बहुत कहां जाकर मास्टर रामदास पाठक का पता करें। रामदास मास्टर का खून हो गया, अरे बेचारे को किसी ने मार डाला। रामदास मास्टर का खून हो गया, अरे किसी ने मार डाला उनको। अरे देखो जल्दी कोई देखो। मास्टर रामदास पाठक का खून, रामदास बात क्या है? सुनो भाई क्या बात है भाई? हमारे आओ भाई रंचो, हम चले आओ। मास्टर रामदास पाठक के बारे में पता करना है, यहाँ से आ जाओ। इधर जाएं, इधर जाएं या कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएं। हुजूर, आप तुम पहचानते हो मुझे? कैसी बातें कर रहे हैं हुजूर? कितनों मैंने आपकी खिदमत की। थाने में श्याम सिंह से बढ़कर आपका कोई वफादार सिपाही था क्या हुजूर? मैंने 10 साल की नौकरी में आपके जैसा सच्चा और दिलेर पुलिस ऑफिसर कहीं देखा। हुजूर दुनिया चाहे कुछ भी कहती थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि आपको कुछ नहीं हुआ है, आप कहीं ना कहीं जरूर ठीक ठाक है। ये तो मेरी तस्वीर है। ऐसी तस्वीर जब से आप लापता हुए तब से लोकल अखबार में छप रही है। कितना नाम हो रहा है, अशुभ लिखा है आपके बारे में। पूजा सिंह के काले कारनामों का पर्दाफाश करने वाले कामबाज इंस्पेक्टर सुशील कुमार का दसवीं में कुछ पता नहीं चला। गांव वालों का संदेह बढ़ता जा रहा है कि सुशील कुमार की हत्या पूजा सिंह ने करवाई है। मगर मुझे हमेशा से ये बात सच नहीं लगती थी। इसी वक्त आपकी माता जी और मंगेतर मिलके को मिलने जाना चाहिए। मुझे हमेशा से डर लगा रहता है कि कहीं वो घबराहट और मायूसी में कुछ करना पड़े। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर जाऊंगा मैं उनके पास, अपनी माता जी के पास और अपनी पिंकी के पास। इस रास्ते से मैं कभी अपने घर नहीं गया। बिल्कुल सीधा रास्ता है। वो देखिए सामने जो पेड़ नजर आ रहा है, उसके पास से जो गली गुजरती है मोहन मेहतो के तबेले के पास से निकलती है। वहां कुआं है और आपका घर है। ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम ये खबर थाने में किसी को मत दो। जितना कहा जाए उतना ही कर। ठीक है, ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं। आप जाओ तुम अपना काम। माधोपुर जैसे जाबाज इंस्पेक्टर सुशील कुमार। जन्म दिया है, कहता है कि वो जरूर आएगा। मुझे चौंका देने की उसकी पुरानी
की आदत है ना, देखिए जब भी आएगा पीछे छुप कर आएगा और एक बार की बुलाएगा माँ। माँ देखो सब मेरी लाइफ कहाँ चला गया था, तो लोग तेरे बारे में कैसे अशुभ अशुभ बातें कहते थे। माँ सब ठीक है, नहीं मैम क्या हाल हो गया है तेरा बेटा? अब मैं आ गया हूँ माँ, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, सब बता भी दूंगा। कैसे क्या हालत हो गई है तेरी? हाँ मैम मैं नहा लेता हूँ। अरे बेटा नहाना धोना बाद में, तुझे भूख लगी होगी पहले चल के खाना खा ले। हाँ। आज माँ ने तुम्हारे पसंद के आलू के पराठे बनाए। अच्छा तो चलो तो पहले पराठे खा लेते। हाँ बेटा चलो। अरे ये बंदर यहाँ कहाँ से आ गया? अरे उसे बंदर मत कहना, वो दोस्त है मेरा। अच्छा जंगल में मिल गया था माँ जब मैं भटक रहा था, मैंने इसका नाम भी रख दिया है। क्या क्या? रेंचो। माँ इसी ने मेरी जिंदगी बचाई है। चले माँ वो पराठे। हाँ बेटा चल ना। ले बेटा एक पराठा। नहीं माँ एक एक करके सात पराठे खिला दिया आपने, अब तो पेट में जरा सी भी ज्यादा बाकी है। चल तेरी मर्जी। बताएगा कितने दिन तू था कहाँ? हाँ माँ जरूर बताऊंगा लेकिन आज नहीं। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बेटा, जब तू यहाँ नहीं था ना तो डीएसपी साहब रोज फोन करके मुझे हौसला देते थे। कभी कभी सिपाही शासन भी छुपकर हमारी खबर लेने आया करता था। मुझे तो ऐसा लगता है डीएसपी साहब और श्याम सिंह के अलावा सारा थाना तेरे खिलाफ। मैं तो कहती हूँ सब के सब उस पूजा सिंह से मिले हुए। बस बस अब वो सब रहने दे, थका हुआ आया है उसे आराम कर। बेटा जाके अपने कमरे में आराम। ठीक है मैं अभी अभी आ जाता हूँ। जरा बाहर तक टहलने के लिए जा रहा था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लोग तुम्हारे जान के दुश्मन बन रहे हैं और तुम यूं ही जरा बाहर टहलने जा रहे हो? देखो तुम बिला वजह की चिंता कर रही हो, अब मुझे कुछ नहीं होने वाला। हाँ अच्छा माँ जी, माँ जी क्या है बेटी, जरा यहाँ तो आइए। अब देखना क्या शोर मचा रही है। माँ जी आपके साहबजादे बाहर घूमने जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं तो समझाते समझाते थक गई हूँ, जो इसका जी चाहे करे जहाँ जाना चाहे जाए। ओफो माँ तू नाराज हो गई। अच्छा तू यही चाहती है ना कि मैं बाहर ना जाऊँ, तो ठीक है नहीं जाता। बेटा तू अपने पिता की सीख इतनी जल्दी भूल गया? क्या कहा करते थे वो? यही ना कि जो अपनी नादानी से मारा जाए वो बेवकूफ़ कहलाता है और जो किसी बड़े मकसद से मारा जाए वो बहादुर। याद है भुजा सिंह के अड्डे पर जब तू छापा मारने गया था तो मैंने ही तो तुझे तिलक लगा कर भेजा था। हाँ, याद है ना? याद है माँ। तो फिर तू कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें क्यों करने लगता है? वो चल चल अंदर चल। हाँ चलो चलो। पिंकी बेटा मैंने सुशील के लिए गाजर का हलवा बनाया है, जाके लिया। अच्छा माँ बैठो। माँ बैठती हूँ, पर तू मुझसे वादा कर अब आगे से बिना बताए घर से बाहर कदम नहीं रखेगा। ठीक है माँ नहीं जाऊंगा। माँ जी
क्या हुआ बेटा? भाई आदमी कहाँ कहाँ बोलो कहाँ? खिड़की के पास एक आदमी चादर में बैठा है। मैं देखता हूँ एक मिनट। मैं भी चल। हाँ हाँ हुजूर मैं। इस तरह हुजूर आपके घर में और किस तरह आ जा सकता है? क्यों हुजूर भुजा सिंह के आदमी की नजरें आपके घर के चारों तरफ खड़ी हुई है। और ये क्या है? बेल ठीक करो, टाइट करो इसको। सुना तुमने? तुम बाहर घूमने जा रहे हो। ठीक है, अच्छा बोलो क्या बात है? डीएसपी साहब ने आपको इसी वक्त याद किया। श्याम सिंह, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे जिंदा होने की खबर किसी तक नहीं पहुंचनी चाहिए, फिर तुमने डीएसपी साहब को क्यों बताया? हुजूर मेरा यकीन कीजिए, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। तो फिर मैंने उन्हें बताया था, रात को जब तुम सो रहे थे ना तब उनका फोन आया था। श्याम सिंह मेरा बेटा वहाँ अकेले नहीं जाएगा। माँ जी वो अकेले कहाँ है, मैं जो उनके साथ हूँ। तब ठीक है बेटा, संभल के जाना। अच्छा माँ चलो चलो, मैं ये कंबल उठाओ जरा अपना, चलो आओ मेरे पीछे। मुझे जरा सा भी यकीन नहीं होता सुशील कि तुमसे फिर मुलाकात होगी और तुमसे इस इलाके वापस आऊंगा। ये सब तो आपका आशीर्वाद है सर, और अब मुझे पूरा विश्वास है कि जब तुम उस आदमकोट के जासूस की गुफा से जिंदा वापस आ सकोगे तो उस आदमकोट जासूस की मौत तुम्हारे हाथों में। आपके लिए इंस्पेक्टर प्रधान का बोलो। प्रधान क्या सुशील कुमार का पता नहीं चला? मैं तुम सब लोगों को सस्पेंड कर दूंगा, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत देता हूं।